इंडिया के कोई भी लोकेशन पे हो और आप घर बैठ के ड्राइंग सीखना चाहते हो तो आप रॉन्ग कैनवास के वेबसाइट www.wrongcanvas.in में जाइए, साइन अप करके अपने एज के हिसाब से अपना ड्राइंग क्लास बुक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। और इस क्लास का मंथली फीस स्टार्ट होता है सिर्फ 499 से, तो देर किस बात की, जल्दी जाइए और अपना क्लास बुक कीजिए। तो अब आते हैं आज के ड्राइंग में। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ वेरी ब्यूटीफुल ऑयल पेस्टल ड्राइंग, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं एक मकाओ बार ड्राइंग कर रही हूँ। मैं लाइन ड्राइंग के लिए यूज कर रही हूँ 2B पेंसिल। अब मैं मकाओ बार के हेड कर रही हूँ। अब मैं बर्ड का बॉडी का पोर्शन कर रही हूँ। आप ये लाइन ड्राइंग अच्छी तरीके से पहले फॉलो करो, उसके बाद आप ड्राइंग करने के लिए अटेम्प्ट लो। अगर आप लाइन ड्राइंग अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो आप ये ड्राइंग कर नहीं पाओगे। अब देख रहे हो ना फ्रेंड्स, मैं कैसे ये ड्राइंग कर रही हूँ। अब मेरा ये बॉडी पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं टेल ड्रॉ कर रही हूँ। ट्री ब्रांचेस कर रही हूँ जिसके ऊपर ये बर्ड बैठा हुआ है। अब मैं ब्लैक परमानेंट मार्कर से पेंसिल के ऊपर से बॉर्डर कर रही हूँ। अगर आप ये ब्लैक मार्कर से बॉर्डर नहीं करोगे तो आपका ड्राइंग कलर करने के बाद उतना प्रोमिनेंट नहीं लगेगा। बॉर्डर करने के बाद उसके ऊपर कलर करने से ड्राइंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अब मेरा लाइन ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर की, और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी दे दिया है। तो चलिए करते हैं कलर। अब मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले ग्रे कलर यूज कर रही हूँ। नाउ सीमन पिंक।
Now I am using white. अब मैं थोड़ा सा कॉटन बट से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर से मैं सिमन पिंक कलर यूज कर रही हूँ। अगेन ग्रे। मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से इसका आई कर रही हूँ। अब मैं कार्माइन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग जिरेनियम। फ्रेंड्स, मैंने इस ड्राइंग में बहुत जगह में सेम कलर ही यूज किया है, इसलिए मैं आपको बार बार वो कलर का नाम मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार पहले ही बोल दिया है ये कौन सा कलर है। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी स्टेप बाय स्टेप कलर का नाम मेंशन किया हुआ है और मेरा वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है। अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। अगेन मैं जिरेनियम कलर ही यूज कर रही हूँ। ये बर्ड्स बहुत ही कलरफुल है, इसलिए ये बर्ड में मैं बहुत सारा कलर ही यूज किया है। अब मैं प्राइमरी रेड कलर यूज कर रही हूँ। Now I am using pink. Friends, मैं आपको suggest करूंगी कि आप पहले ये पूरा वीडियो को देखो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखो, उसके बाद ये ड्राइंग करने के लिए आप अटेम्प्ट लो। अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप ये ड्राइंग कर नहीं पाओगे। इसका कलर बहुत ही डिफिकल्ट है। और अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। सपोज कि आपने वीडियो का स्टार्टिंग पोर्शन देखा और एंडिंग पोर्शन देखा, मिडिल वाला पोर्शन नहीं देखा, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मिडिल वाला पोर्शन में मैंने कौन से कलर के साथ में कौन सा कलर मिक्स करके कौन सा कलर लगाया है, कैसे इसको ब्लेंड किया है, ये सब। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप पहले ड्राइंग को देखो, उसके बाद करो। आप अगर अच्छी तरीके से इसको ऑब्जर्व करोगे तो फिर आप ये ड्राइंग जरूर कर पाओगे। मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग ब्लैक ग्राफाइट पेंसिल। अगर आपके पास ये ग्राफाइट पेंसिल नहीं है तो आप ब्लैक ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो। अगेन मैं जिरेनियम कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। अगेन मैं कार्माइन कलर यूज कर रही हूँ वो डार्क टोन देने के लिए, बर्ड्स का जो फेदर होता है उस फेदर में। अगर फ्रेंड्स आप वरीड हो अपने ड्राइंग को लेके, आप चाहते हो कि आपके ड्राइंग में बहुत इंप्रूवमेंट आए, तो डोंट वरी, रॉन्ग कैनवास के वेबसाइट www.wrongcanvas.in में जाइए, साइन अप करके अपने एज के हिसाब से अपना ड्राइंग क्लास बुक कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। ये क्लास अटेंड करने के बाद आई होप आप बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अब मैं लेमन येलो कलर यूज कर रही हूँ।
अब मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ ब्रिलियंट ब्लू। अब इसको कॉटन ब्रश से थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। फिर से मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ डार्क टोन देने के लिए। अब इसको फिर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन जिरेनियम कलर ही मैं यूज कर रही हूँ। इस ड्राइंग में मैंने जो जो मटेरियल्स यूज किया है, पेज, कलर, पेंसिल्स, इस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहो तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ये मटेरियल्स बाय कर सकते हो। अगेन मैं लाइट ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ लेमन येलो। एवरी फेदर का डायमेंशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए ये ड्राइंग में। अगर ये फेदर में डायमेंशन नहीं आएगा तो ये ड्राइंग अच्छा लगेगा नहीं। सेरुलियन ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग ब्रिलियंट ब्लू। अगेन लाइट ब्लू। अब मैं पुशियन ब्लू कलर दे रही हूं डार्क टोन देने के लिए फेदर में। और नाउ आई एम यूजिंग लेमन येलो। अब मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ा सा और ज्यादा डार्क टोन दे रही हूं। अब इसको ब्लेंड कर रही हूं मैं कॉटन ब्रश से। अगेन आई एम यूजिंग लाइट ब्लू। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी ड्राइंग को लेके वरीड हो, आपको लगता है कि आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, तो फिर रॉन्ग कैनवास के वेबसाइट www.rongcanvas.in में जाइए। साइन अप करके अपने एज के हिसाब से अपना ड्राइंग क्लास बुक कीजिए। इस क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप एकदम स्क्रैच लेवल से ड्राइंग सिखाया जाएगा और आप बहुत कुछ सीख पाएंगे ये ड्राइंग क्लास से। आपका ड्राइंग में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं कॉटन ब्रश से। अब मैं फ्लैश टिन कलर यूज कर रही हूं। नाउ ब्राउन। अब मैं कॉटन ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूं।
Again, I am using Prussian blue. Now cerulean blue. और हाईलाइट पोर्शन में मैं यूज कर रही हूँ लाइट ब्लू कलर. अगेन लाइट ब्लू. अब मैं ऑरेंज कलर यूज कर रही हूं. नाउ जिरेनियम. और थोड़ा सा डार्क टोन दे रही हूँ मैं ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से और इसको ब्लेंड कर रही हूँ कॉटन ब्रश से. अब मैं यूज कर रही हूँ लाइट ब्राउन कलर टी ब्रांच में. Now yellow ochre. Now I am using brown. अब मैं light yellow color use कर रही हूँ. Now white. Highlight portion में मैं ये white color use कर रही हूँ. अब इसको blend कर रही हूँ और ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल से थोड़ा सा डार्क टोन दे रही हूं. इस ट्री ब्रांचेस में मैं वही सेम कलर टोन ही यूज कर रही हूं. अब मैं बैकग्राउंड में ब्लैक कलर यूज कर रही हूं. पहले आपको वेरी केयरफुली ये बांट के अराउंड बॉर्डर कर देना है. आई एम यूजिंग प्रशियन ग्रे. ये बैकग्राउंड एकदम डार्क बैकग्राउंड होगा. अगर ये बैकग्राउंड डार्क नहीं होगा तो ड्राइंग में कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, इसलिए ये बैकग्राउंड को मैंने बहुत डार्क किया है ब्लैक और प्रशियन ग्रीन कलर यूज करके. अब देख रहे हो ना मैं कैसे बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर यूज कर रही हूं. नाउ आई एम यूजिंग प्रशियन ग्रीन. अब मैं इसको फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ. आप चाहो तो आप ब्लेंडिंग के लिए टिश्यू पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फिंगर से रब करके ब्लेंड करना ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ. मुझे लगता है कि इससे ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथ होता है.
और ब्लेंडिंग के वक्त भी आपको केयरफुली करना है, क्योंकि बर्ड्स के बॉडी में ये कलर स्प्रेड नहीं करना चाहिए बैकग्राउंड का कलर। अब मैं येलो ग्रीन कलर से थोड़ा सा लीफ जैसा कर रही हूँ। अब मैं इसको भी फिंगर से रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। ये लीव्स प्रोमिनेंट नहीं दिखना चाहिए, ये लीव्स जैसे ब्लर लगना चाहिए। तो अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव की, तो देर किस बात की, चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। तो अब मेरा कलर कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ड्राइंग। तो कैसा लगा आपको ये ड्राइंग? अगर ये ड्राइंग आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।